नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज़ में, आपके साथ विनोद कुमार शर्मा। आज मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड अंतर्गत सरमसपुर सरकार भवन पर पहुंचे हुए हैं, जहां की कल या न्यूज के माध्यम से आप लोगों को सूचना दिया गया था कि कल के दिन में यानी आज शनिवार को शिविर लगाया जाएगा, जिसमें सभी लोगों को यह समझाया जाएगा कि लोन लेना कितना आसान हो गया और लोन लेने का प्रक्रिया क्या क्या चीज़ है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए आज ब्रांच मैनेजर पहुंचे, स्थानीय लोगों पहुंचे, यहाँ के स्थानीय मुखिया जी पहुंचे, स्थानीय जिला परिषद पहुंचे और लगभग 50 से 60 की संख्या में लोग पहुंचे और सभी को आसानी से समझाया गया कि लोन लेना कितना आसान है। आप देख सकते हैं कि सभी लोग हैं और दूर दूर से लोग भी आए हुए हैं। अगर जो भी लोग इच्छुक हैं लोन लेना चाहते हैं, अपना पेपर वर्क कम्प्लीट करें, कम्प्लीट करने के बाद आप ब्रांच में जाएँ और ब्रांच में जाने के बाद आपको लोन बहुत ही आसानी रूप से कर दिया जाएगा। लोगों को सबसे बड़ा बात है कि से अब बिचौलिया, यहाँ पे एक खुलासा किया गया कि आप बिचौलिया के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा। हालांकि सुनने में आता था बराबर किसी, जो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो 10,000-15,000 रुपया उसे घुस के तौर पर मांगते हैं और कहते हैं कि हम आपको लोन पास करवा देंगे, आप हमको 10,000 रुपया दे दीजिएगा। लेकिन अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट शिविर लगा के लोगों को जागरूक किया जा रहा है ब्रांच के अधिकारी के माध्यम से, स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से, ताकि लोगों के पास आसानी से सूचना पहुंचे और लोग खुद इच्छुक हो और लोन लेने में समर्थक हो। और सबसे बड़ी बात है कि लोन का जो ब्याज दर है बहुत ही कम है, 7% सलियाना है। अगर उसमें भी 4% सब्सिडी दिया जाता है, अगर अच्छे से जो भी लोग लोन सधा पाएंगे उसको मात्र और मात्र 3% ही ब्याज लगेगा, जो कि 1,00,000 रुपये अगर आप ले रहे हैं तो साल का 3,000 रुपये ब्याज लगेगा। दूसरी की मवेशी पर भी दिया जा रहा है, जो आपके पास अगर 2 मवेशी है तो 48,000 रुपये दिया जाएगा, आपके पास अगर 4 मवेशी है तो 1,20,000 रुपये आपको लोन दिया जाएगा, जो आपको आसानी और बहुत ही छोटा किस्त में आपको सधाने। क्रेडिट कार्ड सर, लोन लेना कितना आसान है? ये किसानों के लिए बहुत आसान है। इसमें बहुत ज़्यादा पेपर की आवश्यकता नहीं है, आधार पैन एलपीसी की आवश्यकता है। और अभी जो हर घर केसीसी के अंतर्गत आया है सरकार की ओर से, हमारे बैंक की ओर से, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा पेपर की आवश्यकता है, बस वही केवल। आम किसान सोचते हैं कि सर लोन लेना बड़ा मुश्किल होता है, इसके विषय में क्या? नहीं, वो कहीं ना कहीं से लोन लिए हुए रहते हैं और वो खराब रहता है तभी जाकर के दिक्कत आती है। ऐसे अगर उनका सब चीज़ गुडविल बढ़िया है, क्रेडिट अच्छा है, तो लोन मिल जाता है। जो कभी लोन ही नहीं लिए किसी भी बैंक से, उनके लिए तो हम लोग अभी चल के आए हैं देने के लिए जी, उनको मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। और जिनके पास लैंड नहीं है उनके लिए हम लोग मवेशी लोन, जो कि एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आता है, 2 गाय हो उनके पास या 4 गाय हो, चारा के लिए भी लोन दे रहे हैं। 2 गाय के लिए 48,000 रुपया का है, 4 गाय के लिए 1,20,000 रुपया का लोन है, वो जिला के माध्यम से हम लोगों के पास आएगा, हम लोग करेंगे, उसमें भी हम लोग अपना स्क्रूटनी करके करते हैं। आज सर समस्तपुर में आप आए हुए हैं, कितना लाभार्थी इसमें का भाग ले पाए? लगभग 50 लोग लाभार्थी हमको आए हैं, इनका लोन हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे। हमको बहुत अच्छा लगा आकर के यहाँ समस्तपुर सरकार भवन, सभी लोग एकजुट हुए हैं, बहुत हम आभार प्रकट करते हैं सभी लोगों का। मुखिया जी हैं, सुरेश जी हैं, वार्ड सदस्य हैं, पर्चे दीजिएगा सर, जिला पार्षद अनिल जी हैं, पर्चे दीजिएगा सर। मेरा नाम सर मुकेश कुमार हुआ, सकरा स्टेट में SBI। कल आपके माध्यम से सूचना दिया गया था सभी ग्रामीणों को, कितने लोग पहुंचे और किनका मतलब अभी तक आवेदन हो चुका है, लगभग कितने लोगों का? आज जो है जागरूकता अभियान के लिए हमने कल 50 डाला था, इसमें लगभग 50 लोग आए हैं, लगभग 10 गाँव से जो है वो लोग आए हैं और इच्छा जाहिर किए हैं कि हमको इस योजना का लाभ लेना। इसमें हम मैंने साहब से रिक्वेस्ट किए हैं तो भी आए हैं और आश्वासन दिए हैं कि जिनका भी सिविल सही होगा और कागज़ अगर पूरा होता है तो कहीं से भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, उसको मिलना ही है, ना का कोई सवाल नहीं। और कुछ क्या कोई चर्चा पर बात की गई होगी इसके अलावा? और जो PFME है, PMEGP है, उसके बारे में बताया गया, जो लोग मान के चलिए ये तो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, जिनके पास अपना ज़मीन नहीं है, अगर पशुपालन कर रहे हैं तो उसके लिए KCC उसके लिए भी है, उसके बारे में बताया गया। जो खेती भी नहीं कर रहे हैं, पशुपालन भी नहीं कर रहे हैं, उसके बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए PMEGP है, PMFME है, तो उसके लिए भी प्रकाश डाला गया है। क्या लगता है लोन लेना अब आसान हो गया? देखिए, जो बिल्कुल आसान है और SBI ने इसको कर दिखाया है, सक्सेस स्टोरी है, जो अभी सकरा में लगभग हमको लग रहा है कि दर्जनों ऐसे उद्यमी हैं जिनको SBI का सहयोग मिला और फल फूल रहा है, काफ़ी अच्छे से लोग रोजगार भी दे रहे हैं। परिचय दीजिएगा। अनिल कुमार, जिला परिषद। पंचायत में इतना बड़ा कार्य किया गया जिसमें गरीब किसान लोग हमेशा भटकते हैं कि लोन के नाम पर भटकते हैं, आज ऐसा किया गया आपके पंचायत में, क्या कहना चाहिएगा? आज हमारे पंचायत में ऋण KCC का जो शिविर लगा है, जागरूकता अभियान चल रहा है और SBI के प्रयास से और जिला परिषद अनिल कुमार जी के माध्यम से कल सूचना मिला कि सभी किसान भाइयों को KCC कैसे आसानी से मिल सकता है, इसके बारे में जानकारी मिलेगा और जो लोग का सिविल अच्छा होगा उसको बिना कोई बिचौलिए के लोन मिलने जा रहा है। सबसे बड़ी ये बात है कि आप जो है किसी बिचौलिए के चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, सिविल अच्छा होगा तो लोन मिलेगा।
कितने लोग आज पहुँचे? आज 50-60 लोग आए हुए हैं जी। पर्व का समय है इसलिए कम लोग आए हैं, लेकिन मैसेज चार गांव से लोग आ चुके हैं, तो सभी जगह मैसेज चला गया कि केसीसी और या मवेशी पर भी लोन दिया जाता है। जो दो मवेशी पर 48,000 रुपया मिलता है और चार मवेशी जो पालते हैं उनको लगभग 1,20,000 तक लोन SBI के द्वारा मिलेगा। यही है आज का परिचय दीजिए। रमेश कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत राय सर। क्या कुछ जानकारी दिया गया सर? जानकारी दिया गया है जो KCC खेती पर लोन लेने के लिए और मवेशी पर भी KCC लेने के लिए, तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरी है सो सारा जानकारी दिया गया है। और आज तो जागरूकता अभियान था जिसके तहत सब सही सही जानकारी दिया गया है। आवेदन अब होगा कल से। क्या लगता है कि इसे अब लोन लेना आसान हो गया है? हाँ, बहुत आसान हो गया है। किसी के माध्यम से अब जाने के बैंक में जाने का जरूरत नहीं है, बैंक खुद किसानों के बीच में चल गया है। क्या कुछ जानकारी दिया गया आज? जानकारी दिया गया KCC का पर लोन, मवेशी पर लोन, कम दर के ब्याज पैसा जानकारी दी गई है। हम लोग इच्छुक है कि मवेशी पर ले या बिजनेस पर ले या कोई। क्या नाम है आपका? मेरा मंजू देवी नाम। कहाँ घर? शर्मा सुपर।